बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज बना रही हूँ पोटैटो कटलेट्स, जिसके लिए मैंने 4 अदद आलू ले लिए और उनको उबाल के छील लिया है। हाफ कप मैंने चिकन लिया है, उसको बॉईल करके श्रेड कर लिया है। हरा धनिया लिया है जिसको बारीक काट लिया है। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर लिया है। हाफ टी स्पून कुटा हुआ सूखा धनिया लिया है। हाफ टी स्पून अजवाइन, 1 टीस्पून दरदरी लाल मिर्च, नमक हसबे ज़ायका, ज़ीरा थोड़ा सा। कोटिंग के लिए मैंने लिया है 1 अंडा और ब्रेड क्रम्स। एक बाउल ले लेंगे और उसमें आलू डाल देंगे। आलू को मैश करेंगे। श्रेडेड चिकन डाल देंगे। धनिया डालेंगे। अब मसाले डाल देंगे। मिक्स करेंगे। अब कटलेट्स बनाने के लिए हाथों को ऑयल की मदद से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और उसको इस तरीके से हाथों की मदद से शेप देंगे। अब उंगलियों की मदद से इसके कॉर्नर्स ठीक कर लेंगे और ये इस तरह का रेक्टेंगुलर शेप का बनेगा। अब इसी तरह बाकी भी बना लेंगे। इस तरीके से मैंने सारे बना लिए हैं। अंडे में थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। एक पीस उठाएंगे और उसको अंडे में डिप करेंगे। अंडे को अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे, फिर इसको ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। अब सूखे हाथ की मदद से ब्रेड क्रम्स को अच्छे से इस पर कोट कर देंगे। अब इसी तरह से बाकी सारे भी तैयार कर लेंगे। अब एक पीस उठाएंगे और उसको इस तरीके से झाड़ लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स हैं वो उतर जाएं और आपका पैन गंदा ना हो। एक पैन ले लेंगे और उसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें कटलेट्स डालेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अगर हाई रखेंगे तो ये ब्रेड क्रम्स जल जाएंगे और अगर लो रखेंगे तो ये सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे।
अब इसकी साइड चेंज करेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही हम दूसरी साइड को भी गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। दोनों साइड्स पर बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसको निकाल लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त पोटैटो कटलेट्स तैयार हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़।